वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, यानी कि नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। Our clothes, eating habits, crops,
ये सब किस पर डिपेंड करती हैं? वेदर पे। हम किस तरह का खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन सी फसल कब उगाएंगे, ये सब किस पे डिपेंड करती हैं? वेदर पे और सब्सिक्वेंटली क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो रेनफॉल, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो रेनफॉल, बारिश, टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, यानी कि एटमोसफियर में मॉइस्चर का कितना परसेंट है, स्नोफॉल, ये सब क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी स्पेसिफिक प्लेस के वेदर को बताते हैं पर्टिकुलर टाइम में। ये सब क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल आर द फैक्टर्स ऑफ वेदर। क्लियर? या इनको वेदर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। वेदर एलिमेंट्स के बाद क्लाइमेट, लंबे समय तक एक जैसा ही वेदर होता है, वेदर कंडीशंस होती हैं, वो कहलाता है क्लाइमेट। कहते हैं कि वेदर की जो लंबे टाइम तक एक जैसा पैटर्न होता है लॉन्ग पीरियड पर, वो कहलाता है क्लाइमेट। जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का पूर्व अनुमान, पूर्व घोषणा कैसे की जाती है? प्रिडिक्शन ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, कम समय के लिए उस जगह का वेदर कंडीशन कैसी, इनका प्रिडक्शन कुछ एक अगले दिनों को देखते हुए किया जाता है। जैसे सनी धूप वाला होगा, हवाएं चलेंगी। साइंटिस्ट क्या करते हैं? वेदर एलिमेंट्स को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसके बाद वो फोरकास्टिंग टीवी, रेडियो, अदर पर्पज से कर देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर डे टू डे कंडीशन होती है एटमोसफेयर की, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये क्या कर देती हैं? वेदर में चेंज ला देती हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर नंबर वन टेम्परेचर, सन की हीट अर्थ पे कैसे आती है, डायरेक्ट पहुंच रही है या स्लैंटिंग तिरछी होकर पहुंच रही है, वो डिपेंड करता है अर्थ पे टेम्परेचर पे। जैसे ये सन, ये अर्थ, बीचों बीच इसमें क्या है, इक्वेटर, और ये पोल्स। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है,
मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से। मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर के बाद आफ्टर आफ्टरनून 2-3 बजे का जैसे टाइम होता है उस ड्यूरेशन में मेजर किया जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग मेजर किया जाता है। एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो एयर प्रेशर की वजह से होता है। कोल्ड एयर हैवियर होती है इसलिए वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, नीचे आ जाती है, और गर्म जो हवा होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ह्यूमिडिटी है वो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर की जो अमाउंट है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। जैसे कोस्टल एरियाज केरला और चेन्नई, वहां पे समुद्र होने की वजह से वहां के एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली और पंजाब के कंपेरिजन। डेजर्ट एरिया में वो बिल्कुल नहीं होती ह्यूमिडिटी, है वो पर्टिकुलर रीजन की समर और विंटर में अलग अलग होती है। इसको हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी को। रेनफॉल भी, बारिश भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर के अंदर, और उसको मेजर करने के लिए रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका उपयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।